दोस्तों 2018 बिल्कुल पैक रहा न्यू न्यू स्मार्टफोन्स के साथ। हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे, जैसे कि हमें 20,000 से कम में मिल गया फ्लैगशिप प्रोसेसर किरिन का 970 या फिर स्नैपड्रैगन 845। अब जो ये 2019 है इसमें भी हमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे। काफ़ी कुछ हमको ऐसा मिलेगा जो हमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। जनवरी 2019 में आपको कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ़ोन है हुआवे की तरफ से। हुआवे की तरफ से आपको दोस्तों बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ये फ़ोन है हुआवे Enjoy 9। इसके बेस वेरियंट में आपको मिलेगी 4GB की रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। नोच वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा इसमें 6.5 इंच का। अब यहाँ खास बात यह है कि आपको मिलेंगे इसमें क्वाड कैमराज। ड्यूल कैमराज आपको मिलेंगे रियर में 13+2 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ, और फ्रंट पे भी आपको मिलेंगे ड्यूल कैमराज 16+2 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चर के साथ। बैटरी में भी यहाँ कोई कमी नहीं है, आपको 4000mAh की बैटरी मिलने वाली है, और जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी पावरफुल है, किरिन का 710। तो ये स्मार्टफोन भी मार्केट को हिला सकता है अगर सही प्राइस पे इंडिया में आ गया तो। हमारा अगला फ़ोन है ओनर की तरफ से, ओनर 10 लाइट। ये फ़ोन चाइना में काफ़ी टाइम पहले आ गया था, उम्मीद ये की जा रही थी कि ये फ़ोन इंडिया में आ जाएगा दिसंबर 2018 में। अब ये फ़ोन जनवरी 2019 में आने की उम्मीद है। इसमें भी आपको मिलता है किरिन का 710। यहाँ खास बात यह है कि आपको मिलता है इसमें 6.2 इंच का वाटर ड्रॉप डिस्प्ले। रियर में ड्यूल कैमराज 13+2 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ, और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ। बैटरी आपको दी गई है 3400mAh की। ओनर 9 लाइट अपने टाइम पे काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन था, तो ऐसे में मुझे लगता है ओनर 10 लाइट भी काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन रहने वाला है। अब देखना यह होगा किस प्राइस पे ये फोन इंडिया में आएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस होगा 12-13 हज़ार के आसपास। अब हम बात करने वाले हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स के बारे में। सैमसंग भी दोस्तों एक नई शुरुआत करने वाला है 2019 में। सैमसंग की जो एम सीरीज है वो इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है। ये एक सैमसंग की न्यू सीरीज होने वाली है। 3 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज के, सैमसंग गैलेक्सी M10, M20 और M30। अब जो इनका हाई एंड स्मार्टफोन होगा उसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा एक्जीनोस का 7880। फाइनली सैमसंग भी आपको देने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच। अब देखना यह होगा कौन कौन से स्मार्टफोन आते हैं इस सीरीज के और क्या प्राइसिंग रहती है। जैसे कि आप सबको बताया सैमसंग मिड रेंज सेगमेंट में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है इस बार सैमसंग कुछ अच्छा काम करेगा मिड रेंज सेगमेंट में। क्या करेगा वो देखेंगे आने वाले टाइम में। अगला स्मार्टफोन भी सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग A8s। इसमें आपको 6.4 इंच का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है, मतलब ये बेजल लेस स्मार्टफोन है। आपको जो इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है वो इस तरह से डिस्प्ले के अंदर मिलता है कॉर्नर पे। रियर में ट्रिपल कैमराज हैं 24+10+5, और फ्रंट कैमरा है 24 मेगापिक्सल का। प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 710, और बैटरी आपको दी गई है 3400mAh की। अब ऑन पेपर तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखना ये होगा इंडिया में सैमसंग इस फ़ोन को किस तरह से लाता है और क्या प्राइसिंग इसकी रखता है। अब जो हमारा अगला फ़ोन है, आपको जो कुछ उस स्मार्टफोन में मिल रहा है वो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया। ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन है ऐसे फीचर्स के साथ। मैं बात कर रहा हूँ ओनर व्यू 20 के बारे में। ओनर व्यू 10 आप सबको बताया जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था, और मैंने वो फर्स्ट सेल में परचेज भी किया था। उस टाइम हमें जिस प्राइस पे ओनर ने ये फ़ोन दिया था ओनर व्यू 10, उस टाइम पे वैसा स्मार्टफोन और कोई नहीं दे रहा था। जैसे कि वो फर्स्ट स्मार्टफोन था ड्यूल 4G वोल्टी के साथ, और कोई हमें नहीं दे रहा था ड्यूल 4G वोल्टी उस टाइम पे। ऐसे ही और बहुत सारे फीचर्स थे जो कि फर्स्ट टाइम आए थे ओनर व्यू 10 में। अब ओनर व्यू 20 के साथ भी सेम ऐसा ही है। जो कुछ आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है वो अभी तक किसी ने आपको नहीं दिया। फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, और साथ में आपको दिया गया है 3D TOF सेंसर जो कि आपको रिसेंटली मिला था ओप्पो R17 प्रो में। और दोस्तों ये इंडिया में फर्स्ट स्मार्टफोन हो सकता है जिसमें आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि नोच का ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ट्रेंड आ रहा है फुल व्यू डिस्प्ले का। प्रोसेसर इस फोन में है किरिन का 980 जो कि बना है 7 नैनोमीटर पे। तो बहुत ही पावरफुल ये स्मार्टफोन होने वाला है। सारी बात अब यहाँ है प्राइसिंग की, किस प्राइस पे ये फ़ोन आएगा इंडिया में। आप गैस करके बताओ कि ये फ़ोन इंडिया में किस प्राइस पे आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस हो सकता है इंडिया में 33,000। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना मुझे। हमारा अगला फ़ोन है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो K1 भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है जनवरी 2019 में। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 660। इस फ़ोन की खास बात है कि इसमें आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 6.4 इंच एमोलेड पैनल के साथ।
रियर में ड्यूल कैमरा 16+2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल का। अब चाइना में इस फोन का प्राइस है 17-18,000 के आसपास। आपको इस प्राइस में मिलता है इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। अब देखना यह होगा ओप्पो इसका इंडिया में क्या प्राइस रखता है। अब हम एक ऐसे ब्रांड की बात करने वाले हैं, जब वो ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया गया था तो एक बार को उसने पूरी मार्केट को हिला दिया था। रेडमी नोट 4 से लेकर रेडमी 5A सबको उसने टक्कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ टेनोर के बारे में। टेनोर जी आप सबको याद होगा, ये फ़ोन आया था स्नैपड्रैगन 626 के साथ और आपको मिलते थे इसमें ड्यूल कैमरास। अभी इस फ़ोन का सक्सेसर टेनोर जी 2 आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 660 के साथ। इसका प्राइस ऐसा होने वाला है कि इसके आने से रियलमी 2 प्रो से लेकर जेनफोन मैक्स प्रो M2 सबको कंपटीशन मिलेगा। आप में से काफ़ी लोग रियलमी के भी न्यू स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, रियलमी 3 या रियलमी 3 प्रो, तो उसके लिए हो सकता है आपको फेब तक वेट करना पड़े। जनवरी में उनके आने की उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा रियलमी की ए सीरीज भी लॉन्च हो सकती है जिसमें आपको रियलमी की तरफ से बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। मतलब रियलमी ने सोच लिया है कि शाओमी को पूरी टक्कर देनी है, जैसे कि शाओमी का रेडमी 7A या रेडमी 6 से आप देख लो, ये जो स्मार्टफोन है शाओमी के ये आते हैं बजट सेगमेंट में 5-6 हज़ार की रेंज में। ऐसे ही रियलमी की ए सीरीज का स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको इस फोन में मीडियाटेक हीलियो A22 या फिर स्नैपड्रैगन 430 देखने को मिल सकता है। अब यहाँ जो मुझे सबसे गलत बात लगी है वो ये है कि इसके बेस वेरिएंट में आपको मिलेगी 1GB की रैम 16GB स्टोरेज के साथ। अब ये बात कितनी सही है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक यही रिपोर्ट सामने आई है जो मैंने आपको बताया है। एक फ़ोन वीवो का भी है जो कि अभी कन्फर्म नहीं है कि इंडिया में वो फ़ोन आएगा या नहीं आएगा। ये फ़ोन है वीवो Z3 स्नैपड्रैगन 660 के साथ और इसमें आपको मिलेगा एमोलेड पैनल। शाओमी के भी आपको बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन जनवरी में कौन से आ रहे हैं ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही कुछ कंफर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आप बताओ कि आप इनमें से कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो। जो भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए हैं आज सबका एक हम स्लाइड शो देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।